हे गाइज, आज की इस वीडियो में फार्मा टॉप 10 सीरीज के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंदौर में टॉप 10 फार्मा कंपनियां कौन सी है। कि गाइज, आप जानते होंगे इंदौर को हब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गाइज आपको बता दें कि पीथमपुर एक है वहाँ पे सिटी जो कि काफ़ी फेमस है फार्मा हब के नाम से, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस माफ है तो ज़्यादातर कंपनियां वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं टॉप 10 फार्मा कंपनियों के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि गाइज, अगर आप फ्रेशर हैं और फार्मा इंडस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं यानी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा गाइड के साथ लेकर तैयारी कर सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपके साबित हो सकता है। अभी तक 100 बच्चों को हमने सिलेक्शन दिलाया है इस गाइड के थ्रू, तो आप भी ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 499 रुपीज़ है, और लेने का प्रोसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और गाइज, अगर इस दिए गए नंबर पर भी कॉल करते हैं तो आपको ये गाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं टॉप 10 सीरीज की। तो टॉप 10 सीरीज में हमने आज रखे हैं 10 फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, और कुछ ऐसी कंपनियां जिसको मैंने ऐड टॉप 10 में नहीं कर पाया क्योंकि टॉप 10 की जगह में वो नहीं आ पाए। तो चलिए उनका नाम बता देते हैं जो कि वर्किंग कल्चर थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी हमको, क्योंकि उनका फीडबैक अच्छा नहीं मिला हमको। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ अदर की। तो उसमें पहले पे आता है माइलन, फिर है मैकलाइड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, अजांता, डेविस और बायोट्रिस साइनोफार्मा लिमिटेड। तो गाइज, ये कुछ अदर कंपनियां हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो जो कि टॉप 10 में नहीं आई हैं। अगर 15 की ये होती टॉप 15 की तो उसमें मैंने आपको इसको बता देने होते, लेकिन टॉप 10 की अगर हम बात करें तो टॉप 10 की ही बात करेंगे। अब बात करते हैं 10 नंबर कंपनी की, तो वो है इपिका लेबोरेटरी जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको हमने 10 नंबर दिया है। अगर 9 नंबर कंपनी की बात करें तो अरबिंदो फार्मा जो कि इसकी 2 वहाँ यूनिट प्रजेंट है इंदौर में पीथमपुर में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, तो वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल। 7वें नंबर कंपनी की बात करें तो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। 6 नंबर कंपनी की अगर बात करें तो एलकेएम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड है जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसका पर्सनल ओपिनियन अगर मेरा आप पूछोगे तो काफ़ी अच्छी वर्किंग है इसकी, अभी डे बाई डे इंक्रीज ही हो रही है। अब बात करते हैं 5वें नंबर कंपनी की एबॉट हेल्थ केयर जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है गाइज। अगर इसमें अप्लाई करते हैं आपकी लग जाती है तो भाई आपकी किस्मत है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब बात करते हैं 4वें नंबर कंपनी की, तो डॉक्टर रेड्डी जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर बद्दी वाले सीरीज देखे होंगे तो गाइज उसमें मैंने इसको टॉप 1 पे रखा था, क्योंकि यहाँ डॉक्टर रेड्डी की जो बद्दी में प्लांट है वो काफ़ी वर्किंग में, हर फेस्टिवल के बारे में बात करें तो उनका सेलिब्रेशन होता है, हर चीज़ के बारे में बात करें इनका वर्किंग कल्चर, वहाँ पे इंप्लॉय भी काफ़ी ज़्यादा 3000 से ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। और गाइज यहाँ के इनकी वर्किंग कल्चर काफ़ी अच्छा डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इनका एटमोसफेयर वर्किंग कल्चर विजन की बात करें तो काफ़ी अच्छा नाम कर रहा है। और गाइज ये केरला की कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, इनका जो फाउंडर है उनके बारे में भी मैंने बात कर चुका हूँ। और गाइज अगर आप इसके हिस्ट्री पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, या कोई भी आपके मन में डाउट हो किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, लेकिन गाइज हमें से रिलेटेड होना चाहिए। अब गाइज बात करते हैं 3rd नंबर कंपनी की, तो वो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो ये 3rd पे हमने इसको दिया है। अब बात करते हैं 2nd नंबर कंपनी की, तो वो है लुपिन, और 1st का आप सपोज कर लीजिए कौन सी कंपनी होगी, तो गाइज आपको बता दें कि वो है सिप्ला। तो इन टॉप 10 फार्मा कंपनी में अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, तो टॉप 10 में आप अपना जगह बनाइए, क्योंकि गाइज इनकी वर्किंग कल्चर विजन काफ़ी अच्छा है। तो ये टॉप 10 फार्मा कंपनियां हैं जो कि इंदौर में हैं, और गाइज आपको अगर इंदौर जाना है तो इन टॉप 10 फार्मा कंपनियों में अप्लाई करना है तो कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज इनकी वर्किंग कल काफ़ी अच्छी है। गाइज आज के ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइज आपको बता दें कि अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री की जितनी वैकेंसी आती है हम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। तो DIX में सबीर मेरा यूज़र आईडी है, वहाँ पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली का, साथ में इस फैमिली का। टेक केयर, बाय बाय।